हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली से जोधपुर आए शनिवार को एयर इंडिया विमान में सवार 165 यात्रियों की करीब 15 मिनट तक सांस अटकी रही। पहले से एप्रन एरिया में खड़े जेट एयरवेज मुंबई व दिल्ली के विमान के कारण एयर इंडिया विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। इस कारण ये विमान एयरपोर्ट के ऊपर ही मंडराता रहा। दरअसल एयर इंडिया AI-475 दिल्ली जोधपुर विमान दोपहर 12:55 पर दिल्ली से रवाना हुआ। ये विमान करीब 2:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट आया। यहाँ विमान को रनवे पर लैंड करने की स्वीकृति नहीं मिली। इससे विमान पुनः ऊंची उड़ान पर एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता रहा। इससे एक बार तो यात्री सोच में पड़ गए। इस दौरान एप्रन एरिया में जेट एयरवेज 9W412 मुंबई जोधपुर व जेट एयरवेज 9W729 दिल्ली जोधपुर खड़े थे। एयर इंडिया विमान करीब 15 मिनट तक हवा में चक्कर लगाता रहा। जेट एयरवेज मुंबई व दिल्ली के विमान ने उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया दिल्ली विमान को नीचे उतारा गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।